पलवल अदालत से भगोड़ा घोषित व पुलिस के लिए काफी समय से सिरदर्द बने गांव दिगोट के इनामी बदमाश हीरा भाटी ने शनिवार को अदालत में जाकर खुद सरेंडर कर दिया। हीरा भाटी पर वर्ष 2009 में गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप था। वर्ष 2014 में हीरा भाटी व उसके भाई सीता भाटी पर हत्या का एक और मामला दर्ज हुआ, लेकिन हीरा भाटी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा था। हीरा भाटी के अदालत में पेश नहीं होने पर अदालत ने उसे 6 अक्टूबर वर्ष 2014 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस ने हीरा भाटी पर 50,000 का इनाम रखा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। इनामी बदमाश है, कहाँ से पकड़ा है, क्या नाम है? हीरा भाटी के पीछे हम काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। अभी स्पेशल इसी के ऊपर काम चल रहा था, हमने कई जगह रेड की थी, उस पर बहुत प्रेशर बना हुआ था। तो अगर कल का मामला ना होता तो क्या पता हम रात को इसको अरेस्ट भी कर लेते हैं पीछे पर इसके। तो इसने आज सुबह डर के मारे कोर्ट में पेश किया है, उसमें कोर्ट में सरेंडर किया है। तो हमने हमारे पास ये 2 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर है, कुछ रिकवरी है वो करनी है और पूछताछ करनी है और कुछ देखते हैं कितने मामले आगे सुन सकते हैं। तो सर इस पर कितना इनाम था और किस मामले में था? इस पर 156 नंबर मुकदमा दर्ज है 2014 का, 302 का पर्चा दर्ज हो रहा है। उसमें सुनील कुमार कंप्लेनेंट है, हीरा भाटी और सीता भाटी दो भाई हैं, दोनों इसमें एक्यूज हैं। तो सीता भाटी तो पहले अरेस्ट हो गया था 19/3/14 को, ये 6/10/2014 को पीओ घोषित हो गया था। उसके बाद इस पर 50,000 का इनाम है, अभी तक पकड़ा नहीं गया था, आज ही अरेस्ट हो गया। तो इससे क्या बरामद करना है? अभी इससे पूछताछ करनी है, अरे किसने कट्टा बताया है वो रिकवर करना है। दूसरा मामला क्या था? एक मुकदमा और इस पर 204 नंबर 2009 का, इसमें इसकी वाइफ का मर्डर कर दिया था, उसका 302 का पर्चा दर्ज हुआ। फरीदाबाद टाइम्स में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BVM News। नमस्कार।